पांच वर्ष के दौरान डेढ़ करोड़ परिवारों को एक एक घर देने का कार्य केंद्र की मोदी सरकार ने किया। 9.5 करोड़ परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य केंद्र की मोदी सरकार ने किया। 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। 7 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। 13 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बिना गारंटी के लोन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। 12.5 करोड़ किसान परिवारों को और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए सालाना देने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। आजादी के बाद किसानों की आमदनी किसानों को भारत की 1.5 गुना दाम मिल सके इस देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपदा से बचाव करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी जी के नेतृत्व की सरकार लेकर के आई। किसानों की कृषि सिंचाई की क्षमता को बढ़ाई जाए इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और ड्रिप इरिगेशन की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई और इस देश के 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी प्रदान करने की गारंटी आयुष्मान भारत ने किसी ने दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना है जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति और महिला उद्यमियों को 1 करोड़ तक का लोन दिलाने की सुविधा बैंक के प्रत्येक ब्रांच को कि 2 ऐसे उद्यमी या तो अनुसूचित जाति जनजाति का हो या महिला हो इनमें से प्रत्येक बैंक की ब्रांच को देना है। यह कार्य किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने। स्टार्टअप योजना में अपना स्टार्टअप कोई योग करना चाहता है उसके लिए प्रोत्साहन का कार्य पहली बार आजादी के बाद हुआ। देश के अंदर जिस प्रकार से हमारा नौजवान अपूर्व प्रतिभा से संपन्न है लेकिन उस नौजवान को एक मंच मिलना चाहिए था, उसकी स्किल को एक मंच मिलना चाहिए था। प्रधानमंत्री स्किल मिशन के माध्यम से करोड़ों नौजवानों को जीवन की नई आशा का दीप प्रज्वलित करने का मौका प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री स्किल मिशन ने पूरे देश के अंदर दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं के कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाओं के कारण दुनिया के अंदर भारत सबसे अच्छा निवेश का गंतव्य बना है। उड़ान योजना के अंतर्गत मुझे लगता है गोरखपुर के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, ये गोरखपुर है जिसमें वायु सेवा पिछली सरकारों के समय नहीं चल पाती थी और आज गोरखपुर के अंदर दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट चल रही। आज गोरखपुर से मुंबई कोलकाता हैदराबाद बेंगलुरु इनमें या तो वायु सेवा शुरू हो चुकी है या वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है। और ऐसा नहीं किया गोरखपुर से, हम लोग जब आए थे प्रदेश में सरकार में तब केवल 2 हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट थे जिनमें वायु सेवा जहां से संचालित थी और आज 6 एयरपोर्ट हमारे पास ऐसे हैं जहां पर वायु सेवा प्रारंभ 2 वर्ष के अंदर हम लोगों ने किया। 9 ऐसे स्थल हैं जहां पर एयरपोर्ट को हम विकसित कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग उत्तर प्रदेश के जीवन में करने जा रहे हैं। तो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा वहां